कक्षा नवमी में अध्याय सात जो कि बहुत ही बड़ा पाठ था, तो उसका भाग छठवां। उसमें हम पढ़ेंगे कुछ वर्ग हमारे जो एनिमिलिया जगत के कुछ वर्ग थे वो रह गए थे। आपने उभयचर वर्ग तक पढ़ा था कि इसको ये छह वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें से आपका जल स्थलचर तक हो गया था। अब हम पढ़ेंगे सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग, सरीसृप मतलब जो रेंगने वाले जंतु हैं। तो ये आपको चित्र दिखाए गए हैं सरीसृप वर्ग में। इसमें कछुआ आता है और ये कैमिलियन, गिरगिट, सांप, छिपकली और घरेलू छिपकली है, और एक उड़न छिपकली भी होती है, ड्रैको। तो इनके जो लक्षण हैं, ये रेंगने वाले होते हैं और असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब होता है कि ये वातावरण के अनुसार अपना ताप क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। और इनका शरीर सलकों से ढका रहता है और इनमें फेफड़े पाए जाते हैं, उसी से वो सांस लेते हैं। और इनका जो हृदय होता है, वो अधिकतर सभी का हृदय में तीन कक्ष होते हैं, लेकिन जो मगरमच्छ होते हैं और उसका जो हृदय होता है, उसमें मनुष्यों जैसे चार कक्ष पाए जाते हैं। और इनके ये अंडे देते हैं और इनके अंडों के ऊपर जो आवरण होता है वो कठोर कवच से ढका हुआ रहता है। तो ये सरीसृप वर्ग था आपका चौथा, चौथा सरीसृप वर्ग। क्रमशः विकास हुआ है जीवों का। अब सरीसृप के बाद जो आते हैं वो होता है पक्षी वर्ग। जो पांचवा वर्ग है वो क्या है, पक्षी। पक्षियों में बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। ये समतापीय होते हैं। समतापीय मतलब वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापक्रम ज्यादा कम या बढ़ नहीं कर सकते। और इनका हृदय भी मनुष्यों जैसा चार कक्षीय होता है, और इसमें दो जोड़ी टांगें होती हैं, लेकिन जो अगली टांग होती है वो पंखों में बदल जाती है। आप देख रहे हो ना, ये सफेद स्ट्रोक दिया, तो इसकी जो अगली टांगे हैं वो पंखों में क्या हो गई, रूपांतरित। तो पिछली टांगों से चलने का काम कर रहा है। आप सभी में देख सकते हो, कबूतर में अगली टांगे जो यहाँ थी वो पंखों में बदल गई, और पिछली टांगों से ये, तो ये पंख उड़ने का काम करते हैं। और पूरा शरीर परों से, छोटे छोटे परों से ढका हुआ रहता है, और इनमें सांस लेने के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। आप उदाहरण देख सकते हो, इतने सारे हैं इसके। चिड़िया हो गई, जिससे आप सभी परिचित हो। चिड़िया, आपने बतख भी देखा है। ये सब क्या है, पक्षी हैं। ये उदाहरण दिए हुए हैं आपको। इसके बाद पक्षी के बाद जो छठवां वर्ग आएगा वो आएगा स्तनपायी वर्ग, जिसमें कि मनुष्य आते हैं। और ये आप देख रहे हैं ना, मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़, चूहा, व्हेल। व्हेल मछली बोलते हैं, लेकिन वो वास्तव में मछली नहीं है। व्हेल एक स्तनधारी वर्ग का एक छठवां वर्ग है। उसका एक ये क्या है, जीव है। ये भी समतापी होते हैं, वातावरण के अनुसार अपना शरीर का ताप नहीं बदल सकते हैं। और हृदय में चार कक्ष होते हैं। और जो मादा जीव होते हैं उनमें अपने नवजात के पोषण के लिए मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और इनकी पूरी त्वचा में बाल, स्वेद और तिल ग्रंथियां पाई जाती हैं, सभी स्तनपायी वर्ग के जीवों में। और इस वर्ग के जो जीव हैं वो शिशुओं को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ जीव इसमें अपवाद हैं जो अंडे देते हैं, जैसे एकिडेना और प्लेटिपस। तो ये पक्षी वर्ग, इसके पहले कौन सा वर्ग था, पक्षी। पक्षी और छठवां स्तनपायी जीव की ये कड़ी है, क्योंकि पक्षी तो अंडे देते हैं, तो ये भी अंडे देते हैं, बाकी सब शिशुओं को जन्म देते हैं। उदाहरण आप देख रहे हो, मनुष्य, बंदर, बहुत सारे हैं। आप देखते हो गाय, ये सब स्तनधारी जीव हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्वि नाम पद्धति। नाम पद्धति
इतने सारे विभिन्नता लिए हुए जीव होते हैं, उनमें समानता है, असमानता है। और यदि हम उनके मान लो कोई भी जीव है, जैसे हम बोल रहे हैं बिल्ली, बिल्ली के बारे में, मान लो कोई दूसरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति है, अमेरिका है या कोई दूसरा देश है, वो बिल्ली शब्द से परिचित नहीं है, वहाँ के विद्यार्थी चीन में बिल्ली को कुछ और कहते हैं, तो हम एक बिल्ली के बारे में कैसे लोगों को बताएंगे? तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, जैसे तत्वों के एक IPUC नाम होते हैं, संकेत होते हैं, तो सभी विश्व के प्रत्येक लोग जानेंगे कि कार्बन का संकेत C है, हाइड्रोजन का संकेत H है। सभी लोगों को विश्व में सब जगह यही संकेत चलेंगे। ऐसे ही तो हमें जीवों के बारे में अध्ययन करना है, और यदि यदि उनके हम प्रचलित नाम लेते हैं तो दूसरी जगह के विद्यार्थी उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए नाम पद्धति में क्या हुआ कि कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक थे, कैटलस लीनियस। नामक एक वैज्ञानिक था, इन्होंने हर जीव के नाम पद्धति बनाई, और वो कैरोलस लीनियस ने हर जीव का एक क्या बताया, वैज्ञानिक नाम। हर जीव का, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वैज्ञानिक नाम बनाया। तो इस प्रकार जो वैज्ञानिक नाम थे, उसमें जो जाति वाला नाम था एक स्पीसी, और उसके पहले था जीनस। जीनस मतलब वंश, और स्पीसीज, ये दो नामों को लिखा। जैसे मानव, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। होमो उसका जीनस है, सेपियंस सेपियंस ये उसका स्पीसीज है। तो इस प्रकार होमो सेपियंस यदि आप बोलते हो तो पूरे विश्व में सब समझेंगे ये मानव है, होमो सेपियंस। ऐसी बिल्ली के वैज्ञानिक नाम है, तुलसी का पौधा उसका भी वैज्ञानिक नाम है, गुड़हल का पौधा, पपीते का नाम, आम, सेब, हर चीज के वैज्ञानिक नाम हैं। और जो अध्ययन होता है बड़ी स्तर पर क्लासों में, उन वैज्ञानिक नाम से ही संबोधित किया जाता है। तो जब हम नाम पद्धति करते हैं तो दिखते कैसे हैं, तो जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू करते हैं, यदि इंग्लिश में लिखते हैं तो हम उसको एच होमो जैसे मा, और जो प्रजाति का नाम होता है वो छोटे अक्षर से लिखते हैं इस प्रकार। और जो जैसे प्रिंट की हुई किताब है तो उसमें तिरछे अक्षर से लिखा जाता है, हमेशा वैज्ञानिक नाम। और इस प्रकार दोनों नामों को लिखने के बाद उनके नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है। ये है नाम पद्धति। ये नाम पद्धति इसलिए की गई है ताकि पूरे विश्व में हम उसका अध्ययन कर सकें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने प्राणी जगत के जीवों का वर्गीकरण किया, पूरा संघों जगत में बांटा, फिर उसको वर्गों में बांटा। तो आप देखोगे कि कोशिकीय स्तर की रचना सरल है, तो वो कौन सा जगत है, पॉरीफेरा। आप पढ़े हो सबसे पहले पॉरीफेरा जगत आपने पढ़ा, जिसमें शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, इसमें स्पॉन्जिला वगैरह आते हैं, और जिनकी शारीरिक रचना थोड़ी जटिल थी, इसको हमने यहाँ पर तीन भागों में बांट दिया। देह गुहा नहीं है तो उसमें पहला पॉरीफेरा आया, दूसरा सिलेंट्रेटा आया, तीसरा
हेल मिन्थी जाया, इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। जिसमें देह गुहा झूठी पाई जाती है नाम मात्र की, वो है निमो टोडा। और जिसमें वास्तव में देह गुहा पाई जाती है वो देह गुहा दारी। इसको फिर हमने दो भागों में बांट दिया कि भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेजोडर्म की कोशिका का विकास। तो छठवां हमारा जगत का एनेलिडा, सातवां मोलस्का नहीं एनेलिडा, फिर सातवां आर्थ्रोपोडा और आठवां मोलस्का। और जब जो उनकी अंतर देह गुहा थी वो एक थैली जैसी थी, उसको हमने दो भागों में बांट दिया गया, नोटोकॉर्डिएट और नोटोकॉर्डिट विहीन, मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार ये नौमा हो गया इकाइनोडर मेटा, और जिसमें नोटोकार्ड पाई जाती है वो कार्डेटा। ऐसे हमने देखा 10 जगत थे। इस प्रकार एक और है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो शुरू में रहता है और बाद में नहीं रहता है। तो एक था प्रोटोकॉर्डेटा और एक था कशेरुकी, जिसमें नोटोकार्ड पाया जाता है। अब नोटोकार्ड बाद में किसमें बदल जाता है, मेरु दंड में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये कशेरुकी वर्ग था ये, और इस कशेरुक वर्ग को हमने फिर 6 वर्गों में बांटा, साइक्लोस्टोमेटा, मछलियां, तीसरा इसमें मेंढक आते हैं, चौथा सरीसृप, आज आपने पढ़ा पक्षी, और छठवां स्तनपायी वर्ग। तो इस प्रकार आपने जीवों में विविधता और किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं सबका अध्ययन किया। अब हम कुछ प्रश्न भी दे सकते हैं आपको। सरीसृप, सरीसृप ये है सरीसृप, सरीसृप और पक्षी वर्ग के प्रमुख क्या बताइए, आप लक्षण बताइए। और आप बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आप अपनी जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, उसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हमसे आसानी से बन जाते हैं। तो अब आपका कोर्स होने वाला है, तो हम सभी छात्रों से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी अपनी किताब से अध्ययन करें, ताकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कहीं से भी आए और आपको बन जाए। धन्यवाद।